फेसबुक पर मिले दो लोग, पहले प्यार हुआ फिर हुई शादी। शादी के बाद पता चला लड़की लड़की नहीं बल्कि लड़का है। आप भी अगर फेसबुक पर लड़का या लड़की समझकर किसी से दोस्ती करते हैं तो हो जाइए सावधान। हम आपको इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि एक अजीब और गरीब मामला सामने आया है जहां एक व्यक्ति धोखे का शिकार हो गया, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह धोखा धड़ी का मामला आपको हैरान कर देगा। दो लोगों को फेसबुक पर एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने शादी की, लेकिन शादी के बाद जो सच सामने आया उसे जानकर सभी लोग हैरान हो गए। पहले लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लोगों ने कहा क्या सच में ऐसा हो सकता है। दरअसल एक लड़के को फेसबुक पर एक युवती मिली, दोनों में बातचीत हुई, दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। जल्द ही दोनों ने एक दूसरे का नंबर साझा किया। अब इनकी कॉल पर बात होने लगी, बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदलती चली गई और ये प्यार शादी तक आ पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया, लेकिन घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में घर वालों को मनाकर दोनों ने लव मैरिज की, शादी हो गई, लेकिन शादी की पहली ही रात पति को पत्नी का हैरान कर देने वाला सच पता चला। ऐसा सच जिसकी उसने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी। उसके होश फाख्ता हो गए जब उसने हकीकत जानी, जिससे वो बे इंतहा मोहब्बत किया करता था, जिसके पीछे वो पागलों की तरह दीवाना था। वो असल में जन्म से लड़का था और बाद में जेंडर बदलकर वो लड़की बना था। असल में शादी के कुछ घंटे के बाद किसी अनजान शख्स ने लड़के को बताया कि जिससे उसने शादी की है वो कभी लड़का था और ऑपरेशन के बाद वो लड़की बनी है। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। इस बारे में उसने अपनी पत्नी से पूछा, जिस पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन अगले ही दिन लड़की चुपचाप अपने मायके चली गई। पत्नी की असलियत सामने आने के बाद इस शख्स ने थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। उसने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी पहले एक लड़का थी, वो ऑपरेशन कराने के बाद लड़के से लड़की बनी। लड़के ने लड़की के परिवार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिसिया जांच में सामने आया कि लड़के ने दिल्ली में अपना जेंडर बदलवाया था। नेशनल डेस्क, न्यूज़ लाइफ, बिहार।